स्टूडेंट्स, टॉपिक कवर कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइप के। देखिए, क्वेश्चन है फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, nth डिफरेंशियल कोफिशियंट यानी nवा अवकल गुणांक किसका, साइन ए एक्स इंटू कॉस वी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, जो भी फंक्शन है उसको हम y लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स कॉस बी एक्स। देखिए, हमने फॉर्मूले आपको नोट करा दिए हैं और वो आपको याद होंगे, साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में, इनको क्या करेंगे डिफरेंशियल करने से पहले कि इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लाना होता है, मतलब कि साइन एक्स कॉस बी एक्स के जो बीच में साइन है, चिन्ह है, वो आप देख रहे हैं इनटू का है, क्योंकि साइन एक्स इनटू कॉस बी एक्स। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में प्लस या माइनस करना है। इसके लिए क्या कि टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे हम, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस वी। देखिए, टू साइन ए इंटू कॉस वी ये फॉर्मूले की फॉर्म है। यहाँ पर ए जो है ए एक्स है और वी कितना है बी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/2 यहाँ लिखा हमने, फॉर्मूला होता है देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में है, आप इसे देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बुक में। साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, हमने क्या किया एक्स कॉमन ले लिया, साइन ए एक्स माइनस बी एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, क्या हुआ, अब हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन अलग हो गया, साइन दूसरा फंक्शन अलग हो गया, क्योंकि यहाँ दोनों फंक्शन किस में थे, मल्टीप्लाई में थे। तो मल्टीप्लाई के लिए nth डिफरेंशियल का फॉर्मूला नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, nth डिफरेंशियल कोफिशेंट h, इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, nth डिफरेंशियल कोफिशेंट y का करेंगे, y का सिंबल yn होता है आप जानते ही हैं, इज इक्वल टू 1/2। ये जो साइन ए प्लस बी एक्स है, इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, डी एन, डी की पावर एन, मतलब nth डिफरेंशियल कोफिशेंट का सिंबल ये होता है डी की पावर एन, किसका, साइन ए प्लस बी एक्स का, प्लस 1/2, ये वाला 1/2, और इस पर भी हमने डी की पावर एन क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया, अप्लाई कर दिया इस पर, साइन ए माइनस बी एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, क्या साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या होता है, ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। तो ओरली आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, साइन ए एक्स, ए कितना है ए प्लस बी, अभी हमने बोला आपको फार्मूला, ए की पावर एन मीन्स ए प्लस बी की पावर एन साइन ए प्लस बी एक्स प्लस एन पाई बाई टू। यानी जितना ये जो एंगल होता है ना साइन के आगे जो लिखा होता है कॉर्ड, जैसे हम कहते हैं साइन थीटा, तो ये थीटा ही तो है, इसमें क्या करते हैं एन पाई बाई टू प्लस कर देते हैं, कब करते हैं, जब एन टाइम डिफरेंशियल करते हैं, या हम कहें nth डिफरेंशियल कोफिशियंट हम फाइंड करते हैं। तो
ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी एन पाई बाई टू प्लस एड हो जाता है। ठीक सेम प्रोसेस यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो यहाँ का ए क्या है, ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी की है साइन ए माइनस बी एक्स एन पाई बाई टू इसमें भी ऐड होगा, समझ गए ना। ऐड मीन्स प्लस, एन पाई बाई टू यहाँ प्लस कर दिया, एन पाई बाई टू यहाँ प्लस कर दिया, तो साइन के डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करने की बजाय उसकी टेक्निक याद कर लो, क्या कि ए की पावर एन, ए क्या होता है एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशियंट, ये हो गया ए की पावर एन हो गया। फिर साइन जो भी है एंगल होगा जो भी हो उसमें एन बाई पाई एन पाई बाई टू क्या करके प्लस करके लिखना है। यहाँ पर भी देखिए इसमें ए माइनस बी की पावर एन साइन ए माइनस बी एक्स एन पाई बाई टू हमने यहाँ प्लस कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि एन एथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एनथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स कॉस सी एक्स, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, इनका हमें क्या करना है एनथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। लेट इसको वाई लेट किया हमने, जो भी फंक्शन दिया होता है उसको क्या करते हैं वाई मान लेते हैं, तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉस एक्स। तो ये जो दो फंक्शन है ना कसाइन कॉस, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है सेम प्रोसेस कि इसमें भी हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ये जो तीसरा फंक्शन है जो पहला फंक्शन हम जिसे कहें ई की पावर ए एक्स इसको ऐसे लिखेंगे। क्या किया हमने, देखिए यहाँ वन बाई टू लिखा ई की पावर ए एक्स मतलब टू से डिवाइड कर लिया और टू से मल्टीप्लाई भी, टू साइन बी एक्स कॉस सी एक्स, तो टू साइन ए कॉस वी का फॉर्मूला है। टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने यूज किया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो ए यहाँ पर कितना है बी एक्स, बी यहाँ पर कितना है सी एक्स, तो हम बोल रहे हैं साइन ए लिखेंगे बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो वन बाई टू ई की पावर ए एक्स लिखा है इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो वन बाई टू बाहर रखा है ई की पावर ए एक्स साइन इनमें से एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या रह गया बी प्लस सी एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स की मल्टीप्लाई इससे भी होगी ई की पावर ए एक्स साइन बी माइनस सी इंटू एक्स, तो क्या हो गया जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे साइन कॉस उनको किस में कर दिया हमने प्लस में कर दिया। अब ये दो फंक्शन है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, हमने लिखवाया है आपको और समझाया भी है। तो क्या होता है मैं फिर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला देखिए, ई की पावर सॉरी आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई वहाँ पाई बाई टू प्लस करते थे या फाई प्लस करते हैं फाई एंगल, ठीक है। देखिए इसको अप्लाई करिए, तो ये एक ये समझिए एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन में दोनों में अलग अलग हमें अप्लाई करना है। एन ए डिफरेंशियल कोफिशियंट वाई का वाई एन वन बाई टू ये, इन दोनों पर हमें अप्लाई करना है डी की पावर एन ई की एक्स साइन बी प्लस सी एक्स साइन बी प्लस सी एक्स प्लस ये वाला डी की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी माइनस सी एक्स, तो दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों पर हमने क्या किया एनथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट का सिंबल अप्लाई किया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको आर की पावर एन
ई की पावर ए एक्स साइन डी एक्स बी प्लस सी एक्स प्लस एन फाई, ये फाई एंगल होता है ठीक है, प्लस इसके लिए भी हमें यूज करना है। अब यहाँ ए और बी देखिए, ए तो ए है, बी यहाँ पर ए है, ए ए है लेकिन बी बदल गए हैं तो फॉर्मूला भी बदलेगा। यहाँ जो आर है ना स्मॉल लिया है या कैपिटल आर लेंगे, डिफरेंट लेंगे। आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी माइनस सी एक्स प्लस एन फाइव लिया था ना, या थीटा लेंगे, क्या लेंगे थीटा, ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ में आर जो लिखा है, फाई लिखा है, आर लिखा है, थीटा लिखा है, इनकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे? उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखाया है वहीं पर फॉर्मूले में, वेयर देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बी कितना है, बी प्लस सी, देख लीजिए यार, ए तो ए है लेकिन बी बदल गया बी प्लस सी का स्क्वायर। फाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स बी अपॉन ए, अब बी कितना है, बी प्लस सी अपॉन ए। अब इस क्वेश्चन के इन सॉरी इस पार्ट के लिए कहें हम, क्वेश्चन दो हो गए वैसे अलग अलग लेकिन हम पार्ट कहेंगे यहाँ। आर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आए हैं, बी माइनस सी, बी माइनस सी लिखा है कॉमा थीटा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बी कितना है, बी माइनस सी, बी माइनस सी अपॉन ए। तो आपका जो आंसर आया वो तो ये हुआ, वाई एन इज इक्वल टू 1/2 बाहर आर की एन की एक्स साइन बी प्लस सी एक्स प्लस एन फाइव प्लस, ये आर दोनों चेंज लिखे हैं ना अलग अलग, क्यों, क्योंकि इस आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू दोनों अलग अलग है, थीटा की वैल्यू सॉरी फाई और थीटा की वैल्यू भी अलग अलग है, इसलिए हमें सिंबल अलग अलग लेने पड़े। पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ओके।